हे भगवान कहाँ है रे तू। पता नहीं यार कहाँ है यार। जो अभी जो नोटिस आया था आज सुबह, आई थिंक ये हिंदुस्तान टाइम्स ने तो हद ही की है। ओके, पहले भी जो नोटिस आया था 10 अप्रैल वाला, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, इसकी कोई प्रूफ नहीं है। ओके, और जो पहले जो कुछ और जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एंड अदर अदर पे जो छपी है उसमें कुछ अलग लिखा है। इसने तो व्यूवरशिप के लिए हद ही अपनी पार कर दी यार। उन लोगों ने ये लिखा है कि जो ये जो नोटिस जो बताया है ये NTA के ओपीसीएल या ऑफिसर्स ने बताया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है कि NTA के डायरेक्टर ने बताया है, विनीत जोशी सर ने। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो जो हिंदुस्तान टाइम्स वो डायरेक्टर के इतना प्यारा होगा कि इसको बुलाएगा, हेलो हेलो हिंदुस्तान टाइम्स, हाँ सुनो मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ विनीत जोशी जी, हाँ आपके जो अटेम्प्ट हैं वो 31 तारीख से हो रहे हैं, दो ही होंगे सिर्फ, हाँ ये रीजन है, लिख दो ठीक है, बच्चों को बता दो मेरी तरफ से। मैं लाइव नहीं आ सकता, मैं ट्विटर पे नहीं डाल सकता, ठीक है आप लोग ये लिखो मेरी तरफ से लिखो। ऐसा कहा होगा क्या, तुमको क्या लगता है भाई, जब नोटिफिकेशन आएगा ना। ओके, या जस्ट न्यूज़ वगैरह जो आती है वायरल होता है, ठीक है वीडियोज आते हैं, खूब डालना पड़ता है, सभी को डालना पड़ता है, ठीक है चाहे वो छबरी यूट्यूबर हो या ना हो, सभी को डालना पड़ता है, वैसे सारे छबरी होते हैं आजकल। ओके, सो यार एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो है ये लोग यही सोच रहे हैं कि जैसे ही मैंने आर्टिकल डाला, जितने भी छबरी यूट्यूबर लोग हैं वीडियो डालेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल डालेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, जैसे ही बच्चे आर्टिकल पढ़ेंगे तो जो भी एड होता है इनका उस पर ऊपर क्लिक होगा और उससे इनके मनी जनरेट होता है। तो 2 से 3 दिन के अंदर ये दिमाग लगाते रहते हैं यार, आर्टिकल पे व्यूज आने कम हो गए, फिर से नया दिमाग लगाते हैं, ठीक है अब कल आज ये नोटिस आ गया ना, अब कल का ये वेट करेंगे, फिर से एक नया ही पंगा शुरू कर देंगे, फिर से नया रजिस्ट्रेशन वाला स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था ना कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है अभी अप्रैल पे तो रुक चुके हैं क्योंकि अप्रैल पे व्यूज आना बंद हो गए, अब मई का स्टार्ट कर दिया कि हमने एनालिसिस किया है और ये देखिए ये मई का आ चुका है, मई के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। बीच में फिर एक वो एड लेके आ जाते हैं, हेलो नमस्कार मेरा कोड यूज़ कीजिए अनअकैडमी पे, मेरा ये फलाना फलाना कोड है और आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा, बीच में वो भी लेकर आते हैं वो लोग, ठीक है जो भी मतलब टॉप के छबरी यूट्यूबर होते हैं, ठीक है छबरी यूट्यूबर ओके, लेकिन उनको जो है स्पेशल छबरी यूट्यूबर बोलना चाहिए, सुना तुमने छबरी यूट्यूबर सेंस। ओके, तो यार जस्ट ये जो है फेक है, पूरी तरह से फेक है, ठीक है बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा है कि यार हमारी यूनिवर्स में एक छोटा सा डॉट है जो कि अर्थ है, उस अर्थ के अंदर पता नहीं कितनी कंट्रीज है, उस कंट्रीज की जितनी मीडिया है उस मीडिया में 166 नंबर की मीडिया है हमारी इंडिया की मीडिया, और उसके ऊपर हम विश्वास करके जो है यूट्यूब पर वीडियो डाल देते हैं कि भैया हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है और NTA ने आके बता दिया, एक इसका बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। और NTA अगर वो बताएगा तो जस्ट लाइक लाइव आएगा, जो भी इसके प्लेटफॉर्म है ट्विटर है वेरीफाइड होते हैं सारे के सारे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे भी चलता होगा शायद, उसका मुझे कंफर्म नहीं है, लिंक्डइन है ओके। सो स्पेशली यार ट्विटर पर तो डालेगा ही डालेगा, किसी भी हाल में डालेगा, और वो जो वेबसाइट है वो क्या दीपावली के लिए रख रखी है उसने, क्योंकि दीपावली पर ही इसको फटाके फोड़ेगा वो, हाँ दीपावली के लिए है क्या वो, पाकिस्तान बोलता है कि हमारे पास परमाणु बम है, तो मोदी जी बोलते हैं हमारे क्या दीपावली के लिए रखे हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हम मिसाइल बनाते हैं भाई। और हाँ हिंदुस्तान टाइम्स वाले क्या चूतिया बनाते रहते हो लोगों को, तुम हद होती है यार व्यूवरशिप के लिए कुछ भी, मतलब सुबह वीडियो डाला अभी तक लाखों में तो व्यूज आ गए होंगे उसके, है ना कितने चैनल्स ने वीडियो क्रिएट कर दिए। आप अभी आज जो है JEE टुडे न्यूज लगाओ यूट्यूब पर सर्च के ऊपर, एटलीस्ट आपको 100+ वीडियो दिख जाएंगे आज के भैया, 100+ वीडियो रिगार्डिंग डायरेक्टर विनीत जोशी। विनीत जोशी सोचेगा बेचारा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं यार, और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि NTA का डायरेक्टर कौन है, मुझे भी नहीं पता था कि विनीत जोशी डायरेक्टर है, हिंदुस्तान टाइम्स ने सभी को बता दिया कि NTA का डायरेक्टर विनीत जोशी है, उसने कहा है और पता नहीं रियल में कहा है भी नहीं है, अगर कहा ही है तो भाई तूने हिंदुस्तान टाइम्स को ही क्यों कहा, हाँ अपने उस पर ट्विटर पर नहीं डाल सकता था क्या, हो ही नहीं सकता कि उसने कहा हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने हिंदुस्तान टाइम्स को ही अगर कहा है तो फिर जो है जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हैं अदर है, उन्होंने क्यों नहीं डाला भैया अपनी जो उसके ऊपर की NTA के डायरेक्टर ने कहा, उन्होंने डाला कि NTA के ऑफिशियल्स ने कहा, ओके ऑफिशियल, अब वहाँ पे ऑफिशियल किस ऑफिशियल ने कहा बताइए मुझे,
नागरिक है, हम पूछे का अधिकार है हमें, ठीक है ना। तो ये दिस इज बिल्कुल फ्रॉड है। आप पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए और ऐसे फ्रॉड से बचते रहिए। पता नहीं हम भी फंस जाते हैं फ्रॉड में, 1-2 घंटे के बाद पता चलता है भैया, दिमाग तो थोड़ा खुलने लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, फिर 2-3 फिर से खबरें अगर पढ़ते हैं तो बाद में पता चलता है, ओ हो माई गॉड, ये क्या हो गया। भगवान कहाँ है रे तू।